और निखिल थोड़ा सा वॉल्यूम तेज रखना इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं सोचा कि मुझसे बेहतर शायद एक साल पहले मैं जो बोल रहा था मैं क्यों स्वराज ज्वाइन किया वो शायद लाइक मेरा एक साल पहले वाला निखिल शायद बेटर आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकेगा तो उससे थोड़ा मैं ये मसल के साथ जो कैलियर उड़ी आए थे तो उन्होंने इंटरव्यू दिया था तो उसमें Right now, I've been studying Swaraj University for 1 year and about service design learning with a focus on sustainability and social justice in India. And that's what I was looking for. So it's my passion to work in this sector about human rights, social justice, sustainable living, living in a way that preserves the planet and keeps it beautiful. And I was looking for a way in which I could find company, I could find a network to work with. And I myself do not have a qualification as such. I'm going to any of this. I'm a patient, I'm just an electrical engineer. And it pretty much had not taught me anything at all. Anything even remotely related to sustainability. So I was looking for a way that I could work. But at the same time, I did not want to be bound by any structures like exams, I think, because that had been a very traumatizing experience for me. And I mean, looking at it all, it just made no sense at all. Just repeating the same thing that already some people have found out for the sake of proving your worth, and it doesn't really help me at all. And there were a lot of courses on offer about sustainability, like I read on the net. There's so many universities abroad as well as in India offering degrees in sustainable development and all. But then I just looked at the expense that they would incur, and I just thought that's not sustainable. So I wanted to learn about sustainability and sustainability. Yes. Simple admission है कि स्वराज यूनिवर्सिटी में मैं like one big reason for coming there was that it was cheaper than most other और but that was one of the things क्योंकि उस time पे जब हम इवैल्यूएट कर रहे थे तब हमें पता नहीं था exactly क्या क्या होता है फिर वो सोचने के बाद में ये orientation meeting को आया और वहाँ पे सब देखा और जब मैं मिला इनसे रेवा से राहुल से नितिन से मैं नासिक की ओरिएंटेशन को आया था तो पहली बार बहुत टाइम के बाद पहली बार मुझे ऐसे लोग मिले जो वही चीज़ बोल रहे हैं जो मैं खुद जिसके बारे में लिख रहा था या जिसके बारे में मैंने बहुत रीड किया था डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी तो पहली बार कुछ इंडियन लोग वही चीज़ बोल रहे थे जो मैं अब तक सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज में लिखा था बेसिकली जो डेवलपमेंट के इश्यूज पे जो चर्चा है रीथिंकिंग के डेवलपमेंट के इश्यूज पे हेल्दी लिविंग के इश्यूज पे कैसे केमिकल बेस्ड फार्मिंग का क्या हार्म्स होते हैं और एजुकेशन के बारे में तो पहली बार मुझे पता लगा कि इतने सारे लोग हैं जो सेम चीज़ दे आर ऑन द सेम ट्रैक तो मुझे लगा कि ओके दीज आर द पीपल आर आई कैन बी ऑन द सेम पेज पर फिर इनके साथ में थोड़ा ज्वाइन कर सकता हूँ और इट लुक्स लाइक अ सेफ इनफ ऑप्शन कि इनके साथ शायद कुछ सीख सकूँ तो फिर और वो मेरी लाइफ का ऐसा एक स्टेप था जहाँ पे मैं कुछ डेस्परेशन में भी था कि कुछ पता नहीं था लेकिन मुझे कुछ करना था सोशल चेंज या कुछ एकदम वेरी फॉगी आइडिया था कि सस्टेनेबिलिटी में कुछ करना है लेकिन कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है कोई ग्राउंड बेसिंग कुछ भी नहीं था ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस नहीं था कुछ भी कॉन्टैक्ट्स नेटवर्क कुछ भी नहीं था सो आई वॉज एट अ डेस्परेट सिचुएशन तो अभी I came across this and so the rest is history. So
मैं इस प्रेजेंटेशन में पहले क्विकली मैं जो मेंटरशिप्स किए हैं जो काम जिस फील्ड में मैंने इन्वेस्टिगेट थोड़ा किया है उसके बारे में बोलूँगा मेंटरशिप्स का थोड़ा डिटेल बोलूँगा उसके बाद आई वांट टू द शिफ्ट्स क्या जो पूरे के पूरे दो साल को मिलाकर क्या क्या मेरे खुद के पर्सपेक्टिव शिफ्ट्स रहे हैं चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़े थे और क्या क्या लर्निंग्स थे तो ब्रॉड स्ट्रीम्स में तो लर्निंग लाइक एजुकेशन के बदला भी लर्निंग रखूँगा मैं क्योंकि एजुकेशन थोड़ा बहुत पेचीदा टर्म हो गया है इवेंट ऑर्गेनाइजिंग जो मैं पहले तो कोई इंटेंशन नहीं था लेकिन ज्वाइन करने के बाद ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती रही मनीष को कीप करेंगे कि क्या तो इसमें क्यों नहीं आता तो उसमें से एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ बना दी रिन्यूएबल एनर्जी जो एकदम जिसमें मैं ओरिजिनली बहुत पैशनेट था और फिर कहीं पर एकदम टफ हो गई जिसमें वो एक्सप्लोरेशन फिर फार्मिंग जो बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था और सोलह यूनिवर्सिटी के आने के बाद एकदम से जस्ट ब्लॉसम फ्रॉम इनसाइड्स फॉर आइडिया वेब रिलेटेड जो मैं ऑलरेडी कुछ काम जो कर रहा था वो और भी लेवल्स तक पहुंच गया और पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस में स्पेशली पिछले छः महीने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और ऑफकोर्स थ्रू आउट दिस फुल टू ईयर्स बहुत सारा नेट पर रिसर्च thinking this that बहुत सारे articles बहुत सारे rabbit holes हम बोल सकते हैं Alice in Wonderland का concept है rabbit hole के अंदर तुम जाओ यानी तुम किसी subject के अंदर इतना गहरे पूरी की पूरी गहरे के अंदर तुम कूद जाओ कि पागल भी हो सकते हो फिर मैं बहुत पागल बंदा गया बहुत सारे चीज़ों के अंदर अगर एक क्विक रन थ्रू करें तो हमारी आठ mentorship periods रहे हैं ये time में और दीज आर जस्ट बेसिक हेडिंग्स की क्या क्या मेन चीज़ की हर मेंटरशिप में एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हुई थी और कुछ कुछ चीज़ों में कुछ पोस्ट मेंटरशिप में थी दो तीन चीज़ें मिला के हुई थी तो सबसे पहले वाले में जनपद नेटवर्क एक करके एक ऑर्गेनाइजेशन एक एन जी ओ है अहमदाबाद में जो राइट टू इंफॉर्मेशन और ऐसी फील्ड्स में इन्वॉल्व है उनके सारे फिर सेकेंड वाले में मैं पुणे में ही था और इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस कॉन्फ्रेंस करके ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था तो मनीष ने करेक्ट करके दिया था कि तू स्काइप के ऊपर उनके साथ कुछ काम कर सकता है और साथ साथ में लक्ष्मी मेरे घर पे आ गई थी सो को लर्निंग विद लक्ष्मी दैट एक्सपीरियंस कि एट दैट टाइम एक कोटी के साथ हम दोनों एक साथ वो जो फील्ड में जा रही थी उसी फील्ड में मैं भी आई गॉट अ गुड एक्सपोजर टू दैट ऑल्सो फिर थर्ड वाले मेंटरशिप में ये लर्निंग सोसाइटीज अनकॉन्फ्रेंस जो एक बड़ा सा इवेंट जो अभी ईयरली या वन एंड हाफ ईयरली हुआ है तो उसमें मैं जुड़ गया एंड ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद फोर्थ वाली मेंटरशिप में मैं फाइनली प्लान्स लिया कि मुझे फार्मिंग के रिलेटेड कुछ ना कुछ तो करना है सो आई ट्रैवल डाउन साउथ टू ऑरोविल एंड चेन्नई जो हम मानते हैं कि अच्छा ऑरोविल इज अ प्लेस फॉर परमाकल्चर या ऐसा कुछ जाना चाहिए उसके बाद तपोवन आश्रम एक अच्छी जगह मिली जहाँ पे परमाकल्चर या फार्मिंग का कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ यहाँ पे रह के कुछ कर सकता हूँ मतलब यहाँ पे कुछ नहीं किया था और साथ साथ में ही कंप्यूटर पे भी कुछ ना कुछ आने लगा था तो विकट संगम करके एक इनिशिएटिव शुरू हुआ था पुणे में और कुछ जगह में जहाँ पे हम ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन से वेबसाइट पे डाल रहे थे उसके बाद सो आई कम बैक टू दिस स्लाइड लेटर और चीज़ें कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे फिर छठी में मेंटरशिप जो हुई थी वो थोड़ा क्योटिक हुआ था आई वॉज सपोज टू बी एट तपोवन आश्रम वर्कशॉप मैंने आधे साल पहले कमिट करके रखा था और उनका एक ऑफ ग्रिड लोकेशन पे इको बिल्डिंग प्लस डिज़ाइन का एक वर्कशॉप था तीन हफ्ते का तो उसके लिए मैं गया उसके बाद होम स्कूलर्स कॉन्फ्रेंस जिनको भी मैं थोड़ा कमिटमेंट करके रखा था वो भी उसके जस्ट बाहर आया तो वो बाय डाउन हो गया उसके बाद इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस कॉन्फ्रेंस जो भी एक साल पहले मनीष के साथ कमिट करके रखा था वो फिर आ गया और वो उनके बीच में जो फर्क था वो सिर्फ कुछ एक हफ्ते या कुछ था सो देयर वाज नो सेंस ऑफ मी कमिंग फ्रॉम पुणे टू उदयपुर और तपोवन के सिर्फ एक हफ्ते के लिए फिर से जाने का तो फिर वो स्किप हो गया और वो कॉन्फ्रेंस में मैं कुछ बहुत सही प्रभावित हुआ लगा आई फाउंड सम वेरी इंस्पायरिंग थिंग्स एंड दैट पुश मी इनटू कैंपेनिंग फॉर आम आदमी पार्टी और वो फिर एक महीना पुणे में रह गए नेशनल इलेक्शन एक महीने के अंदर आ रहे
उसकी वजह से वो पूरा इंटर्नशिप जो इट वाज सपोज्ड टू बी फुल टू इनटू फार्मिंग टर्न इनटू समथिंग एल्स ओनली लाइक फाइल फाइल अप हो गई एक के बाद दूसरी जैसे इसकी कमिटमेंट्स और ऊपर से कॉलिंग उसकी नहीं या ये अभी ये मौका है ये बाद में नहीं आने वाला तो अभी करना पड़ेगा ऐसा सातवीं दैट वाज आवर सेकंड लास्ट इंटर्नशिप आई डिसाइडेड ये छठी और सेवंथ इंटर्नशिप के बीच में बहुत सारा जर्नी हुआ बहुत धर्म संकट फेस करी पड़ी मुझे कि आई सीम टू बी हाँ यहाँ पर आई सीम टू बी गुड एट फार्मिंग आई मीन आई वॉन्ट टू डू फार्मिंग अलॉट वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर था उसके साथ साथ इक्वली स्ट्रॉन्ग डिजायर था कि इन जो एक्सपोजर्स हुए थे खासकर जो कॉन्फ्रेंसेस थे जो आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेनिंग से जो गवर्नेंस के बारे में जो जाना था उनके साथ भी एंगेज करने का इक्वली स्ट्रॉन्ग डिजायर था तो लिटरली ऐसा लग रहा था उस टाइम पे जो जो कोचिंग मेरी इन दोनों मेटेस्ट के बीच में थी कि मैं दोनों साइड से एकदम खींच रहा और उसके साथ टू द एडिंग टू द स्केल ये भी था कि फैमिली का भी कुछ था कि फैमिली का सिचुएशन ऐसा था कि पापा का एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक आंख उनकी खो गई थी तो लाइक ही लॉस फंक्शन ऑफ वन आई और दैट वाज दैट हैड हैपेंड अ फ्यू मंथ्स बिफोर मैं काइंड ऑफ भाग गया था वहाँ से कि बाकी जो फैमिली मेम्बर्स है उनको संभालने दो मुझे नहीं रहना है इन सब में लेकिन फिर वो गिल्ट बिल्ड ऑन होते गया और सो बाय द टाइम ऑफ द सेवेंथ मेंटरशिप फिर वो फाइनली ओवरटेक हो गया कि नहीं आई शुड स्टे नियर होम नाउ आई शुड गेट बैक टू माई फैमिली उनके साथ रहना चाहिए तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐडअप हुई जिसकी वजह से फिर मैंने बहुत डिफिकल्ट डिसीजन लिया कि दफोर में जो कमिटमेंट दी थी मैंने कि मैं यहाँ पे रह के फार्मिंग सीखना चाहता हूँ उसके लिए कम से कम एक साल तो रहना ही था मुझे पता था लेकिन थोड़े ही महीने में फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यहाँ कुछ इम्पैक्ट करते हैं तो यहाँ का इम्प्रूव करना पड़ा सो दिस वॉज वन वो एक टाइम पीरियड था जो बहुत लाइक एक साइड से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी थी बहुत सारे नेटवर्क बन रहे थे और दूसरी साइड से रिग्रेट भी था कि लाइक एक ठोस चीज़ जो बहुत अच्छी तरह से जा रही थी यहाँ पे खासकर द पीपल आर आई लव ओवर हियर स्वराज के जो लोग थे उनके साथ रह के जो हो रहा था अपॉर्चुनिटी एंड एथ मेंटरशिप पुणे में ही कंटिन्यू हुई है जिस तरह के साथ ज्वाइन कर सो आई गो फर्दर नाउ डिटेल्स तो पुणे में रह के मैंने खालीपन था तो उसके खालीपन को दूर करने के लिए आई इन्वेंटेड थिंग्स टू डू तो उसमें से एक चीज़ आई कि एक अनकॉन्फिडेंस का प्लानिंग जैसे होने लगा और ये पिछली के पिछली मेंटरशिप में प्लानिंग हुआ और पिछली वाली मेंटरशिप में उसका एग्जीक्यूशन हुआ जुलाई और अगस्त में बैक टू बैक दो कॉन्फ्रेंसेस हुए तो दिस इज स्क्रीनशॉट ऑफ अ वेबसाइट दैट आई हैड फॉर द फर्स्ट बैक टू द लैंड कॉन्फ्रेंस हुए तो उसमें जस्ट टू शो यू कि इस तरह से डिस्क्रिप्शन वगैरह देख के रखा था और ये काफ़ी ये जो वेबसाइट मैंने बनाई थी इसके लिए काफ़ी अच्छा सा फीडबैक मुझे मिला था लोगों से कि दे रियली लाइक द वे द होल डिस्क्रिप्शन एवरीथिंग वाज और जो ओरिजिनल जो चेन्नई में जो ग्रुप था जिन्होंने बैक टू द लैंड अनकॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया था उन्होंने फिर ये फॉर्मेट को कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर लाइक दे आल्सो लाइक इट कॉपी पेस्ट या कॉपी पेस्ट वो नहीं रिवाइज ही चालू किया एंड और एट द अनकॉन्फ्रेंस ओके डिस्क्लेमर मैं आर्टिस्ट्री में तो एकदम जीरो मार्क्स आए थे चार्ट से गेस भी कर सकते और लेकिन ये जो चार्ट्स है आई काइंड ऑफ डेलीगेटेड टू पीपल जो नीचे वाला वो तो सेल्फ मीन्स जो पार्टिसिपेंट्स को आया था उन्होंने खुद बनाया पंद्रह चल रहा ऊपर का ये कलर थोड़ा गया हाँ फोर रूल्स ऑफ एन कॉन्फ्रेंस और ये लॉ ये एक्चुअल स्क्रीन में यानी कंप्यूटर में देखो तो बहुत प्यारा दिख रहा है बहुत ही अच्छे चार्ट्स किसी और वॉलंटियर से बनाए थे जो कॉन्फ्रेंस को आए थे सो इन दिस पर्टिकुलर इवेंट जो जुलाई 19 और 20 को हुआ उसकी प्लानिंग मैंने तकरीबन कुछ वन एंड हाफ महीने पहले से प्रॉपर शुरू कर दी थी ऑलरेडी लोगों को ईमेल सब भेजे थे वेबसाइट सब बन गई थी लोग रजिस्टर करना शुरू हो गए थे तभी से कुछ लोग वॉलंटियर कर रहे थे मीन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही मैंने डाला था ऑप्शन वुड यू लाइक टू हेल्प ऑर्गेनाइज दिस वुड यू लाइक टू ब्रिंग रिसोर्सेज इस टाइप का तो उसमें से लोग आ गए थे टीम बन गई थी कुछ लोगों को डेलीगेट कर दिया तो एक 19 साल का बंदा था जिसने बोला था कि आई लव ड्रॉइंग लाइक आर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने उसको डायरेक्टली काम दे दिया चल तू ये चार्ट्स कर ये कंटेंट करके ला और वो इवेंट के दिन पे बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट्स करके लाया सो दीज वर वेरी लाइक द नॉर्मल बिग साइज चार्ट्स और उसने ऐसे बहुत सारी चीज़ें
एंड वो काफी कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, खासकर कॉपिंग सेशंस इज एनकरेज, वो एकदम देख के लोग एकदम ये हो गए थे, वाओ इतना अच्छा है। कुछ स्टूडेंट लोग आए थे, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स आए थे, कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स आए थे, वो बोल रहे थे कि यार ये हमारे स्कूल नहीं होता है। फिर अभी क्या चल रहा है? सो ये जो पहला पॉइंट है सीई पी यू जी सी एच, उसका पढ़ने के लिए जैसे न्यूज़पेपर में वो उल्टे छापते हैं ना सॉल्यूशन, तो जो वाइल यू आर रीडिंग दैट जो प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया है वो एक प्रॉपर एक गवर्नमेंट का एनजीओ जिसमें सब पीएचडी वगैरह लोग भर के हैं, उनका एक एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट है ऑन पार्टिसिपेटरी अर्बन गवर्नेंस, और उसके लिए उनको कुछ सी एफ्स लोग रिक्रूट करने थे जो है कम्युनिटी फैसिलिटेटर्स, और सिंपल लैंग्वेज में उनको ऐसे लोग रिक्रूट करने थे ये रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जिनको गवर्नेंस में अंडा पता है, और तो फिर मैं उनमें से एक बन गया। सो बेसिकली ऐसे कुछ लोगों की टीम आई और उनके साथ हम काम कर रहे कि दे आर एम्पावरिंग अस टू कि हमारे वार्ड में क्या होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है लोकल गवर्नेंस में, अगर रोड खराब होते हैं कौन से डिपार्टमेंट आता है गटर साफ करने के लिए, वेस्ट होता है वो बहुत सारा। तो अभी मेरा मेंटरशिप इनके साथ चल रहा है, इनका एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जो अबाउट नवंबर एंड तक जाएगा, फिर अर्ली दिसंबर तक जाएगा, और खास बात ये कि थोड़ा स्टिपेंड भी मिल रहा है अपने को, अच्छी बात है। अच्छा भाई वो थोड़ा मेरे पर कम है खर्चा के लिए। उसके साथ साथ वीकेंड एग्रीकल्चर पुणे करके एक ग्रुप शुरू हो गया जो अनकॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जुलाई में, उसमें से काफ़ी सारे लोग आए जिनके पास अपने फार्म थे लेकिन जिनके पास लाइक ज़्यादा लेबर नहीं होता उनको तो ऐसे ग्रुप बना कि पीपल हु वांट टू वॉलंटियर इन फार्मिंग एंड पीपल हु वांट टू फार्म, तो उसका तो वीकेंड एग्रीकल्चर पुणे करके है तो उसमें मैंने पूरी वेबसाइट बना के इंस्ट्रक्शंस दिए कि तो आपको कौन से एक्सरसाइज करनी है उस हिसाब से ये चीज खरीदो, फिर आपको आना होता है तो फिर वो अलग से कपड़े लेके आओ, बहुत धंधे होने वाले हो शूज लेके आओ रेनकोट लेके आओ, और व्हाट टू एक्सपेक्ट मॉस्किटो बाइट का वो सब इंस्ट्रक्शंस करके कि पीपल हु वांट टू वॉलंटियर कैन कम हियर, और बहुत लोग जिनके खुद का कोई काम नहीं जिनको शायद टेरेस गार्डनिंग को शुरू करना है उनको कोई एक्सपोजर नहीं पा चुका, वो अलग अलग जगहों को आ सकते हैं और वहाँ पे सीख सकते हैं एंड इन रिटर्न उन जगहों को वॉलंटियर्स मिल जाते हैं। तो फिर हमने मैप वगैरह बना के रखे, लोगों के कॉन्टैक्ट्स में यहाँ पे डाल के रखे कि यहाँ पे उनका फार्म है वहाँ पे उनका टेरेस गार्डन है वगैरह, ये अभी जस्ट शुरू हो रहा है ग्रुप, हमारे कुछ चार पाँच जैसे ट्रिप रहे हैं एंड we have gone to some farm on the weekend like Saturday ko ya Sunday ko ya dono din aur wahan pe thoda volunteering kiya hai fir wapas aaya, to abhi jo shuru ho raha hai lekin kafi enthusiastic hai, like bahut sare log usme sign up ho rahe hain, aa nahi le exact trip ko means wo proper organize nahi ho pa raha hai lekin kafi sare logon ne interest bataya ki ha hum log ki pasand hai to this, fir jo अभी क्या कहते हैं तो हाँ दो अनकॉन्फ्रेंसेज जो हुए पुणे में दोनों उनके कलेक्शंस जो आफ्टर द अनकॉन्फ्रेंस क्या क्या बन सकते हैं नेटवर्किंग वो चालू है, पूर्ण पुणे करके एक ग्रुप है जो पुणे में दे आर ट्राइंग टू डू बेसिकली वो सेम चीज़ जो हम सब करना चाहते हैं जो मैं भी करना चाहता हूँ कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज पे काम करें उनको एक साथ कैसे कोलैबोरेट किया जाए कनेक्ट किया जाए, तो दे हैव इनवाइटेड मी टू जॉइन देम फुल टाइम प्रॉपर फुल सैंडिंग और ऑल्सो कम ऑन बोर्ड ताकि वो कनेक्टिंग में मैपिंग वगैरह में हेल्प हो सके, एंड फैमिली के साथ सही चल रहा है अभी रिसेंटली, ये इसमें से बहुत सारी चीज़ें बहुत नई हो गई आई जस्ट रियलाइजिंग राइट नाउ कि इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग के बाय बैच के लिए वगैरह मैं नहीं कर पा रहा अच्छी तरह से, बट बेसिकली ये था कि मेरे और मेरे पापा का 36 का आंकड़ा था पढ़ाई के लिए, और बेसिक ये था कि तो परिवार का वो वंश वो वाला सीन था कि वो वंश आगे बढ़ रहा है वगैरह, और क्या जॉब छोड़े ले गया तो पता नहीं कर रहा है
get back, but don't get back into the bottom block. You have kids, you get back there. This type of cheese thing. So recently, my papa ko hamare hi relatives se aur close near and dear ones se on the face feedback jaise mila hai ki you are very wrong to expect so much out of your son. And to expect him to कि तुम पैसा भी provide करो क्योंकि वो अभी demand भी करने लगे थे पिछले महीनों में कि तू घर के चलाने का पैसा भी तू ही provide कर जबकि उनके पास retirement के बहुत सारे बड़े हैं तो लेकिन he was demanding that तो recently उनको बहुत जगह से feedback मिला है कि this is completely wrong बाकी सारी जो families हमारे circles में close circles में friends में cousins में उन सबका like उन सब लोगों ने express किया कि यार हमारा clear सा ethic है if we are old enough to have sufficient for us कि retirement का भी ठीक से हो सकता है हम road पे नहीं आते तो हम अपने बच्चों पे ये इतना जो नहीं इस expectations नहीं करते कि वो घर चलाने का खर्चा हो तो तुम क्यों ये अपने बच्चे के साथ कर रहे हो जबकि वो बहुत सारे innovative चीजें कर रहे हैं और बाकी लोगों को थोड़ा पता चल गया क्योंकि मेरे team में थोड़ा कोई दीदी भी है और भाई बहन भी है तो बोलते रहते कि चलो निखिल ये ऑर्गेनाइज कर रहा है ये चीज कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज कर रहा है यहाँ पे जा रहा है ये इनिशिएटिव कर रहा है तो उसकी खबर भी थोड़ा फैल गई है रिलेटिव्स में और फैमिली फ्रेंड्स में सो नाउ पीपल नो काइंड ऑफ नो दैट ओके दिस गाय इज नॉट लॉस्ट चाइल्ड नहीं है ये कुछ दोस्त कुछ काम कर रहा है और फिर जब पापा बोलने लगे कि ये क्या बकवास कर रहे हैं तो फिर उनको फीडबैक मिल गया कि यू नॉट सपोज टू डू दिस टू योर सन गिव हिम लेट हिम बी उसको जो करना है अभी करने दो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है विच यू कैन यूज फॉर स्पेंडिंग ऑन द फैमिली का खर्चा उनको डायरेक्ट मुंह पे बहुत लोगों से ये फीडबैक मिला है सो आई एम रियली हैप्पी ऑप्टिमिस्टिक हाँ वो बाद में वे फॉरवर्ड में आएगा तो शिफ्ट्स इन माय वर्ल्ड व्यू उसके बारे में अगर तो एनपीसी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन मुझे पता चला कि मैं खुद तो ये बराबर नहीं कर सकता लेकिन मेरे टीम में ऐसा नहीं होना चाहिए तो एनपीसी जानता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे गुड चीज है जैसे कि हम बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेशन वापस रिस्टोर कर पाए या फिर सेट कर पाए जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए और उससे काफ़ी शिफ्ट हुए मैं थोड़ा बताऊँगा अभी फिर वैल्यूज फ्रेडरिक ने सजेस्ट किया था उसका एक कंपोनेंट था वैल्यूज तो उसमें बहुत ही बड़ी चीज़ थी लाइक मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ी थी कि उसमें से एक ऐसा कुछ सार निकला था कि जो हमारे पॉजिटिव है और निगेटिव है वो एक्चुअली पॉजिटिव और निगेटिव टाइप नहीं कि हम निगेटिव को इरेज कर सकते हैं रादर एक ही वैल्यू होता है जिसका हम उस वैल्यू पे एक्ट करके अगर हम बैलेंस में एक्ट करें तो पॉजिटिव की तरह निकलता है और अगर हम आउट ऑफ बैलेंस उसको अप्लाई करने जाए तो नेगेटिव की तरह निकलता है तो जैसे वैल्यू में परसिस्टेंस अब परसिस्टेंस लेके तुम अगर कुछ कॉज के लिए संघर्ष करो तो उसका पॉजिटिव आउटकम हो सकता है लेकिन वही परसिस्टेंस को लेके तुम अगर कोई लड़की को हैरेस करो उसका नेगेटिव आउटकम हो सकता है वैल्यू सेम रहता है तो उसमें पैराडॉक्सेस में लाइक इसके बारे में ज्यादा वो शायद पोर्टफोलियो में लिखा है पैराडॉक्सेस में सिंपली ये कि कभी कोई चीज सही या गलत कोई सिचुएशन में लाइक कॉम्प्लेक्स मैटर्स में सिचुएशन में सिर्फ सही या सिर्फ गलत नहीं हो सकता वो उस जगह के पर्सपेक्टिव पे डिपेंडेंट है तो एक जगह से देखें तो कुछ कोई चीज सही भी है एक जगह से देखें तो गलत भी है और प्रॉब्लम तब आता है जब हम कोई एक्सट्रीम ले लेते हैं कि ये सिर्फ सही हो सकता है और वही सब जगह अप्लाई करता है हमें हर सिचुएशन को उसके संदर्भ में देखना चाहिए और वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए तो वो वाला शिफ्ट वहाँ पे देखा भिवड़े बाजार का जो विजिट था लालेगा सिद्धि आई थिंक लास्ट तुषार ने भी मैंशन किया था इसका तो उधर मुझे देखने को मिला कि एक कम्युनिटी वाइड पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है सस्टेनेबिलिटी की तरफ तो क्या क्या पॉसिबल है वहाँ पे पूरे के पूरे माउंटेन रेंजेस में कॉन्टूर लाइंस
थी, इतना सही वाटर मैनेजमेंट था, पूरी पूरी कम्युनिटी ने बिना किसी इंडस्ट्री के अपना हेल्प लिए सिर्फ एग्रीकल्चर के थ्रू अपना इनकम मल्टीप्लाई कर दिया था पूरा सस्टेनेबली। आप लाइक आप लखपति करोड़पति बन रहे हो सस्टेनेबली, मस्त चीज थी। सो और वहाँ पे नीड बेस्ड प्लानिंग कोपरेटिव पावर बहुत रिपीट करते रहते थे वहाँ पे। सो आई मीन दैट वाज समथिंग दैट ही स्ट्रेस्ड ऑन, और वो मुझे भी सही लगा कि क्योंकि एक तरह के पैशन बेस्ड प्लानिंग, दूसरी तरह के नीड बेस्ड प्लानिंग, तो हमें जो सही लगता है उसी के पीछे हम जाए तो शायद हम घूमते रहेंगे, लेकिन एक जगह को लो वहाँ पे उनकी जरूरतें क्या हो क्या है उसको निकालो, फिर वहाँ पे वो जरूरतें पूरी करो, वो फिर शायद काम बन सकता है अच्छी तरह से। थोड़ा मिक्सचर चाहिए अपने पैशन को भी अब नीड्स के साथ कैसे मैच कर सकते हैं, उसका लर्निंग वहाँ से मिला। फिर ये बहुत ही थैंकफुल रहा है मेरे लिए सुमी और रेवा और अदर पीपल्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव्स। सारी कोचिंग नीड्स पे बहुत प्रॉब्लम्स हुए मेरे बाकी कम्युनिटी के साथ, बहुत लड़ाई झगड़े हुए। मैं बहुत बार किचन में मैं बहुत बार हैंग आउट किया करता था, नॉट सो मच फॉर हेल्पिंग एंड ऑल, लेकिन सुमी वहाँ पे मेरी काइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट बहुत हुई मुझे सुमी से, कि वो मुझे बार बार पूछती रहती है कि मेरी अजम्पशंस क्या है। मैं यहाँ पे एकदम गुस्सा सेशंस के बाद एकदम गुस्सा हो गया था कि ये बंदा बिल्कुल मान नहीं रहा है क्या है रॉन्ग, और वो वहाँ पे शी वुड ब्रिंग इट आउट कि उनका पर्सपेक्टिव से वो लोग भी सही है, मेरे पर्सपेक्टिव से भी वो लोग सही है। ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों अपोजिंग एंड्स में एक बंदा सही और दूसरा बंदा गलत है, दो लोग अपोजिंग ओपिनियन भी हो सकता है और दोनों अपने अपने हिस्से में सही भी हो सकते हैं। और लाइक तो दूसरे लोग कहाँ से आ रहे हैं, उनकी तरफ से क्या पर्सपेक्टिव है, वो समझाने में वो बहुत बड़ा शिफ्ट रहा है मेरे लिए, वो सबसे बड़ी चीज़ रही है मेरे लिए स्वराज यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस। और वो अभी भी ऑफकोर्स इन प्रोग्रेस। फिर एक बुक है चार्ल्स आइजनस्टाइन का, द वर्ल्ड द मोर ब्यूटीफुल वर्ल्ड आर हार्ट्स वर्स पॉसिबल, जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ी लंबी है, पार्ट शायद प्रेजेंटेशन किया है। हाँ तो आई वुड रिकमेंड कि आप पढ़ो उसको, मैं ज़्यादा इसमें अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वो काइंड ऑफ एक्सपीरियंस की तरह है, ज़्यादा वो लॉजिक उसमें काम नहीं करता, वो बुक ही इसके बारे में कि हमारे लॉजिक के सिस्टम्स कितने फ्लॉड है, तो ऑफकोर्स मैं लॉजिकली इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर हिडन हिस्ट्रीज, ये चीज़ काफ़ी काम की आई है कि फॉर एग्जाम्पल हम में से कितनों को पता है कि इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर आज तक इंडिया की हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, वो हमारी हिस्ट्री बुक्स में सबसे सेंसर हो गए, बहुत सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं। रिसेंटली इमरजेंसी के बारे में पता चला जब अंकुर ने इतना सारा समझाया, जो नैक्सलाइट मूवमेंट का था, रेड कॉरिडोर का था, नॉर्थ ईस्ट वगैरह, तो वो जो चीज़ें घटनाएं हुई है हमारे देश की हिस्ट्री में, हमारे लाइक यू नो थिंग्स अराउंड अस और पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में। फिर एजुकेशन में जो हिस्ट्री में आप जाओ, हमें लगता है कि एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर शायद ऐसा वो हुआ होगा एक पॉइंट पे कि सारे कंट्रीज का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा, सबसे बेस्ट पर्सन आए होंगे और डिसाइड किया होगा कि चलो बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। वो बस एक छोटा सा कहीं से कुछ सिस्टम था जो राजाशाही लोगों ने यूज़ किया था जनता को कंट्रोल करने के लिए, और वो अपना स्कूलिंग सिस्टम बन गया। तो वो हिस्ट्री अगर हम जान सके तो फिर हमें समझ में आ जाते कि आगे क्या करना चाहिए, वी गेट एम्पावर्ड टू एक्ट एंड वी गेट एम्पावर्ड टू जज एंड डिसाइड क्या सही है क्या गलत। तो वो इम्पोर्टेंट है। एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ रियलिटी, हाँ तो ये ऐसे क्या बना है यहाँ पे। अब यूजली क्या होता है हमारे की लॉजिकलिस्ट में और काफ़ी सारे साइंटिफिक डिस्कोर्स में भी है कि अगर कुछ थियरी है और अगर मैं प्रूफ नहीं कर सकूँ कि ये चीज़ है, तो हम ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि ये चीज़ है, तो या तो बंदा निर्दोष है या वो गुनेगार है, बीच में और कुछ नहीं हो सकता। या तो मैं इस चीज़ के बारे में सही हूँ, तो जीएल का एग्जाम्पल अगर मिल जाए तो ठीक है। रिसेंटली ये हुआ था कि हाँ सिक्योरिटी जो सिटीज़ में हमारी रास्ते पे चलने पे सिक्योरिटी कैसे बढ़ सकती है, पुलिस को ज़्यादा करने से बढ़ सकती है, या फिर वहाँ पे ज़्यादा शॉप्स और जैसे एक्टिविटी है वो वहाँ से सिक्योरिटी आती है, यानी
अपनी सामाजिक एक्टिविटी से हमें ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है, दैट मेक्स अस सिटी सेफर, या ज़्यादा ज़्यादा पुलिस होने से इट मेक्स अस सिटी सेफर। तो अभी इसके बारे में चर्चा चल रही थी किसी के साथ जो काफ़ी मीन्स हाई लेवल है मीन्स एक एनर्जी में वगैरह, तो मैं उनको बोल रहा था कि गुड़गांव जैसी जगह में जहाँ पे सेग्रीगेशन हुआ है कि सारे शॉप सिर्फ इधर, सारे घर सिर्फ उधर, उसकी वजह से वहाँ पे घरों के एरिया में सिक्योरिटी बहुत कम है, रॉबरी जैसे दिलदार हो गई है। वो बंदा एकदम गुस्सा हो गया था, नहीं नहीं हो सकता, बिल्कुल कोई एविडेंस नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है शॉप्स के बीच में सिक्योरिटी के बीच में, वो सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ पुलिस की वजह से होती है या नहीं होती है। तो वो वहाँ पे हम मुझे पता चल गया कि हम एक एक्सट्रीम में है, वो बंदा एक एक्सट्रीम पे बोल रहा था कि शॉप्स की वजह से सिक्योरिटी पे कुछ नहीं फर्क पड़ता, और मैं बोल रहा था कि शॉप्स की वजह से सिक्योरिटी को पूरा फर्क पड़ता है, और लेकिन सच्चाई जो है वो कहीं यहाँ पे बीच में है, 100% या 0% कभी कुछ नहीं होता। नेचर में भी आप देख रहे हो कुछ भी कहीं भी कुछ भी 0% नहीं होता, 100% नहीं होता, 0% कुछ नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ बीच में रहता है। तो सच्चाई या जो भी अभी जो हमें रियलिटी है वो कहीं ना कहीं बीच में रहती है, और ये कुछ फाइनल्स मैंने कुछ किए जस्ट टू शो कि अगर हम ये हमारे एक्सट्रीम को छोड़े और अगर हम थोड़े बीच में बीच के जोन में आने लगे तो कुछ नई नई चीज़ें निकल सकती, देन वी कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज टुगेदर, और शायद कहीं पे बीच में कोई सिनर्जी जैसा बन सकती है। सो एक और एक्सट्रीम है जो एक्चुअली स्वराज में काफ़ी हमने डिबेट किया था कि या तो तुम पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट करो गरीब लोगों को, या तो तुम पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट करो गरीब लोगों को, या फिर पूरा हर्मिट बन के रहो, पूरा सेपरेट बन के रहो, कोई लेना देना देना नहीं। तो वो दोनों एक्सट्रीम्स थे, या तो फिर तुम पूरा एक्सप्लॉइट कर लो गरीब लोगों को, या फिर हर्मिट बन के रहो, लेकिन बीच में भी कुछ पॉसिबिलिटी है कि हम कुछ इंटर रिलेशनशिप रख सकते हैं, हम कुछ रिश्ते वगैरह रख सकते हैं, कुछ तो डिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस रख सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, म्यूचुअली बेनिफिट हो रहा है दोनों को। तो वो सब तो वो सारे है थोड़ा आइडियाज। हाँ फिर चैलेंजेस, हाँ तो वो भी नॉर्मल दिखे तो चैलेंजेस पूरी जगह बेसिकली ये 2 साल की जर्नी पे हर एक पॉइंट पे मस्त चैलेंजेस हुए और बहुत सारी लर्निंग्स उसमें से आई है और अभी भी है। जो लास्ट दो इवेंट्स अगर मैं देखूँ तो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सही हुआ था, इवेंट के बाद कुछ भी नहीं अभी हो रहा है, क्योंकि इवेंट के दरम्यान क्या क्या सेशन हुए उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन का मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया। तो वो एक चैलेंज है कि अगर अनकॉन्फ्रेंस जैसा अगर इवेंट हम कंडक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसको हम उसका सार कैसे निकाल सकते हैं और उसके आगे हम कैसे कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। फिर पुणे में रहकर ये चैलेंज है कि तपोवन में जब रह रहा था तो बहुत अच्छा सा डिसिप्लिन सेट हो गया था, रूटीन सेट हो गया था, रूटीन का इसका उसका बहुत हेल्दी लाइफ था, पुणे में एवरीथिंग हैज गॉन फॉर अस, मेरे जो पुराने मटीरियलिस्टिक एडिक्शंस थे वो वापस आ रहे हैं, जैसे कि बड़ा पाव समोसा आइसक्रीम तो वो सब है। बसेस से जा रहा हूँ तो उसमें बहुत टाइम जाता है, कहीं से वापस आ रहा हूँ तो बहुत लेट आना होता है, तो फिर बाहर खाना पड़ता है, घर पे खाने बनाने का सीन नहीं होता, या घर वालों के साथ खाने का सीन नहीं होता बहुत बार। तो बिग चैलेंज फॉर मी इज़ कि अगर मैं पुणे में रह रहा हूँ, शहर में रह रहा हूँ, हाउ कैन आई हैव अ बैलेंस इन हेल्दी लाइफ स्टाइल, वेरी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, वो बहुत बड़ा चैलेंज। सेल्फ डिसिप्लिन का ऑफकोर्स यहाँ तपोवन में रहकर मैंने डेली ट्रैकर जैसे किया था कि हर रोज मैं डायरी में लिखता था आज क्या क्या होगा, वो भी छूट गया। और इंटरनेट एडिक्शन की इंटरनेट ब्रॉडबैंड अगर पूरा टाइम अवेलेबल है तो फिर पूरा टाइम इंटरनेट पर रह रहा हूँ तो वो उसमें लफड़ा हो रहा है। सो ये प्रॉब्लम्स पहले से ही थे और इट्स जस्ट अबाउट वर्किंग ऑन इट, तो करना है अभी काम। फिर कीपिंग इन टच, बहुत सारे नए दोस्त बने स्पेशली पिछले 2-3 महीनों में, क्योंकि इवेंट्स ऑर्गेनाइज की और अलग अलग जगह पे गए, लेकिन जो दोस्त बने उनके साथ कैसे कॉन्टैक्ट बनाए रखिए, हाउ टू कीप इन टच, हाउ टू नॉट फॉल अपार्ट, वो चैलेंज है। फिर लर्निंग के सेक्शन में एक चैलेंज मुझे दिख रहा है कि
अब तक क्या था कि मैं पहले बिफोर आई जॉइन स्वराज में टीचर था एक प्रिंसिपल डायरेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ से मैं इतना पक्के फिर यहाँ पे स्वराज में आया, तो एक साइड से एकदम स्कूलिंग ही अच्छा है, वहाँ से पूरा ये वो एक्सट्रीम था कि स्कूलिंग ही बहुत अच्छा है, वहाँ से दूसरे एक्सट्रीम में आ गया कि पूरा अनस्कूलिंग ही बेस्ट है, पूरा अनस्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। लेकिन अभी मुझे जो रियलिटी दिख रही है सिटी में कि जो स्पेशली अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस हो रहे हैं उनके लिए एजुकेशन राइट नाउ परसीव्ड एज वही एक सोर्स है उनके लिए कि उनके करियर को कैसे आगे कर सके, प्लस होम स्कूलिंग फैमिली से भी जो इनपुट्स मिल रहे कि दे नीड सम कम्युनिटी, उनके बच्चों को और बच्चों की कंपनी चाहिए, लर्निंग स्पेसेस चाहिए, तो नाउ ऑल्सो टू इट्स अ चैलेंज टू कि उसके बीच में जो पूरा का पूरा फुल टू कंपल्सरी स्कूलिंग था और जो पूरा का पूरा अनस्ट्रक्चर्ड अनस्कूलिंग मॉडल्स है उनके बीच में हम कैसे कुछ बीच में ले आए ताकि सिनर्जी हो पाए, ताकि हम सही चीज़ें कर पाए रादर देन कि कुछ एक्सट्रीम ऐड करें, क्योंकि जब तक हम एक्सट्रीम पे होंगे तब तक लोगों को नुकसान पहुँच रहेगा, या सब लोग इधर नहीं आ पाएंगे, सब लोग उधर नहीं जा पाएंगे, शायद सब लोग शायद बीच में नहीं मिल पाए, तो उस टाइप के चैलेंज लेना है। फिर वर्क कल्चर के रिलेटेड कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ अगर वहाँ पे एकदम प्रोफेशनल टाइप लोग हैं तो उनको ये नॉर्मल है कि डेडलाइंस मीट करनी है, नाइट आउट मारने हैं, कि बहुत कम टाइम में बहुत सारा टेक्स्ट वगैरह रीड करना है, तो जो वर्क कल्चर है वो मेरे कल्चर के साथ बिल्कुल मैच नहीं होता, मुझे तो भाई रात को सोना ही होता है और स्लो पेस करना है मुझे और मुझे इनोवेटिव चीज़ें करनी है, रेपिटेटिव चीज़ नहीं होनी है, तो उनके साथ अभी काम कर रहा हूँ, उनके साथ काम बहुत मंदा जा रहा है पिछले एक महीने से। एट द सेम टाइम कि ये अनकॉन्फ्रेंसेस में इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कर रहा था वो बहुत सही जा रहा था, उसी के पैरेलल दूसरे ट्रैक में जो मेरा वो ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट्स का जो काम था वो बहुत ही खराब जा रहा था, तो एट द सेम टाइम आई वॉज डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन वन थिंग एंड अ वेरी लाउजी जॉब इन द अदर, तो हाउ डू आई ब्रिंग अ बैलेंस, यू नो हाउ टू ब्रिंग अ बैलेंस इन हियर, कैसे नॉट कम्प्लीटली वो साइड जाने का लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बैलेंस में लेके आने का ताकि मैं काम तो एटलीस्ट कर सकूँ करवा सकूँ टू मेक इट वर्क, तो उसका है। एंड हाँ सो नाउ कितना टाइम, ओके सो अभी जो रिसेंट जो बैक टू दैट अकाउंट था उसका एक छोटा सा वीडियो मुझे प्ले करना है, टेल यू मोर अबाउट
वो वीडियो मैंने नहीं बनाया, दैट वाज वन फिल्मोग्राफर जो खुद एक बंदी है जो एक पहले पुलिस इंस्पेक्टर हुआ करती थी, उसके बाद उसने वो ट्वीट किया और फिर सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को महाराष्ट्र में जो हो रहे हैं उसके बारे में मैंने लिखी थी और वो प्रॉपर करते करते वो फिर वीडियो मेकिंग करने लगी थी और फिर यहाँ पे आई, उसने वीडियो खींचा, उसी दिन वीडियो बनाया, अगले दिन पोस्ट किया, अपलोड करके दे दिया और काफ़ी, और वो इवेंट में बहुत सारी चीज़ें एकदम सिनर्जी जैसे एकदम टुगेदर आ गई थी, बहुत सारे लोग अलग अलग अपने हिसाब से रिसोर्सेज किया है, बहुत सारी चीज़ें जो हुई इसमें हमने कुछ प्लानिंग नहीं किया था, वो जस्ट वहाँ वहीं पर ऐसे उभर के आए, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और अभी हम उसका और भी चीज़ें उसको आगे ले जाने वाले, उसका एक और इवेंट अक्टूबर में ऐसे प्लान किया ऐसा करने का, शायद उसके पहले पुणे में हो, मुंबई में हो, बनवाड़ी करके जगह मुंबई के कहीं बाहर वहाँ पर हो सकता है। एंड वी वॉन्ट द आइडिया इज कि ये एकदम लो रिसोर्स वाला इवेंट था, सिर्फ दो दिन का था, जीरो बजट था क्योंकि वेन्यू पुणे में जाता है, गवर्नमेंट पुणे में गवर्नमेंट ने एक वेन्यू बना के रखा है जो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज के लिए होता है। ओके सॉरी तो इसके बारे में और चर्चा करने का बात है। तो आई फेल लाइक दिस आई शुड इंक्लूड व्हाट आई लाइक अबाउट स्वराज, एक आइटरेटिव जो रिपीटेटिव प्रोसेस है जो यहाँ से शुरू होता है। हाँ, तो हम पहले यहाँ पे पूजी मीट में होते हैं, हम बहुत सारा थियरी का इनपुट देना पड़ता है, बहुत सारा डिस्कशन होता है, प्लानिंग होता है, फिर हम सब एक अलग अलग लाइक एक्सप्लोर जैसे होते हैं, अलग अलग दिशा में चले जाते हैं अपने मेंटरशिप्स के लिए और ये प्रैक्टिस का स्टेज होता है, डू एक्सपीरियंस हम इमर्स करने का, इसके बाद सारे एक्सपीरियंस अलग अलग जगह से लेकर हम वापस आ जाते हैं एक जगह पे रिक्रूट करने के लिए, वापस प्रोसेसिंग हो गया और फिर से ये, तो ये जो रेपिटेटिव प्रोसेस है वो मुझे लग रहा है कि ये स्वराज यूनिवर्सिटी का एक बहुत यूएसपी जैसा है, क्योंकि काफ़ी अलग दूसरी जगहों पर इतना आइटरेटिव नहीं होता है, एक बार होता है, एक इंटर्नशिप होती है सिर्फ कोई भी नॉर्मल एमबीए कोर्स में या एबीए के कोर्स में या कुछ, तो यहाँ पे इतनी सारी इंटर्नशिप्स है, इंटर्नशिप इज द मेन कोर्स रादर देन पार्ट ऑफ द वेकेशन, देन नीट बेस्ड प्लानिंग वो आई थिंक को अगर स्वराज यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स पे हम अप्लाई करें तो कि ऑर्गेनाइजेशन जो लाइक अब तक जो मैं जिन लोगों से मैं मिला हूँ, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को, तो उनकी नीड्स यहाँ पे आई है कि उनके पास फंडिंग और टेक्निकल स्किल्स वाले लोग तो बहुत है, लेकिन ऐसे लोग नहीं जो उनके जिनके इंटेंशन उनके साथ अच्छे से मैच होते हैं या फिर यू नो जो सही इंटेंशन वाले लोग, या फिर ऐसे लोग जिनको कम्युनिटी लिविंग के बारे में पता है, डू नॉट टू गेट अलॉन्ग विद अदर पीपल, कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको रिजॉल्व कैसे की जाए, वैसे लोगों की बहुत बड़ी गैप है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में उनको ज़रूरत है ऐसे लोगों की, तो ये फिर से स्वराज यूनिवर्सिटी का यूएसपी है कि हम ऐसे कैंडिडेट्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, सो आई फील कि ये दिस इज़ वन अदर बिग पार्ट ऑफ स्वराज यूनिवर्सिटी और इनविटेशन टू और K4 K5 और फर्दर बैचेस कि ट्रायल बाय फायर होने वाले कम्युनिटी लेवल सीखना, बट इट विल बी गुड। मूविंग फॉरवर्ड आई वांट टू स्किप दिस, कि पुणे में मैं क्या करना चाहता हूँ, फिर ऐसे दो वेन्यूज मिल गए, एक तो गवर्नमेंट का एक वेन्यू है इंद्रप्रस्थ करके, एक एक आईटी कंपनी है जो फ्री में हमें मिल रहे हैं इवेंट्स करने के लिए, फिर एसडीएल नेटवर्क करके एक प्रोजेक्ट था जो हमने पहले थोड़ा शुरू किया था, वो बीच में अभी कुछ अटक गया था लेकिन अभी मुझे वापस उसको रिस्टार्ट करना है, यहाँ पे आपको पढ़ा है वो पोर्टफोलियो में उसका प्रिंट आउट है। बेसिकली द आइडिया इसकी जो नॉलेज है जो हमारे फैसिलिटेटर्स के पास वो हम एक वेब पोर्टल जैसे में डालें जहाँ पे हम कैटेगरी वाइज ढूंढ सकते हैं मेंटर्स को एज वेल एज स्कूल लर्नर, तो इफ एक इन्विटेशन है कि इफ एनीबडी वांट्स टू जॉइन इन दैट, कुछ डेटा अंदर लाना चाहते हैं और कुछ टेस्टिंग करना चाहते हैं तो प्लीज़ बन दें, उसका टेक्निकल चीज़ें मैंने सॉर्ट आउट कर दी है, आपको वेबसाइट को इम्प्लीमेंट करने के इस स्टेज पे, फिर बहुत सही चीज़ें हो रही है, ये एक शिक्षा अंदर जैसी जगह जो पपरेंटी जगह है पुणे में शुरू हो रही है, अभी तो लाइब्रेरी जैसा है लेकिन जो एथोस उसके पीछे है कि एक ऐसे जगह हो जहाँ पे लोग जस्ट आ सके, पूरा दिन भी बिता सके और एक दूसरे से सीख सके, लर्निंग स्पेस बना सके, तो फिर ये ऐसा खुला है तो उनके साथ कुछ करना है, मैनी ऑर्गेनाइजेशन ये लोग वेस्ट पेपर्स का कलेक्टिव है,
ये बहुत सही सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं यहाँ पे आई रेकमेंड गोइंग हियर फॉर क्या है नाम समुझे एनवायरनमेंट जी गुड फिर एफपी करके फोरम है जो महीने में एक बार मिलता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन स्कूल में जो साधना विलेज स्कूल है जहाँ मुझे अभी जाना है वापस एजुकेशन सो मैनी थिंग्स दैट कैन हैपन एक डिबेट हमेशा रहा है और मेरे लिए बहुत अभी भी बहुत जिंदा है कि एक्टिविस्ट वर्सेस कंस्ट्रक्टिविस्ट कि क्या एक्टिविस्ट यानी नारा बोलने का और वो स्ट्रगलिंग अगेंस्ट इनजस्ट कॉज वो वाला जो पार्ट है क्या वो करना चाहिए या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कुछ ऐसा मॉडल क्रिएट करना जो सस्टेनेबल फ्यूचर ला सके जैसे कि एक ऑर्गेनिक फार्म स्थापित करेगा या वैसे कुछ तो कौन सा करना चाहिए बहुत बड़ा बहुत बड़ा डिबेट होती है यहाँ पे फिर से मैं देखता हूँ कि ये वही एक्सट्रीम पे चले जाते हैं या तो एक्ट्रेस बनो या कंस्ट्रक्टिव बनो दोनों में से कोई एक चूज करो विच आई थिंक इज अ रॉन्ग आइडिया क्योंकि मैंने पिछले दो साल में क्या एक्सपीरियंस किया कि जब मैं एक्टिविस्ट मोड में था तब मुझे कंस्ट्रक्टिविस्ट काम करने थे बहुत सारे जब मैं कंस्ट्रक्टिविस्ट मोड में था तब मुझे एक्टिविस्ट के काम बहुत करने दोनों का कुछ ना कुछ मिश्रण कहीं ना कहीं हो सकता है दे हैव टू वर्क मेबी एक ही जन दोनों चीजें नहीं कर सकता लेकिन कुछ तो टीम वर्क करना चाहिए दोनों कुछ तो टीम वर्क होना चाहिए ऐसे नहीं कि ये लोग बोलते कि नहीं वो सब लोग बेकार है हम लोग ही सब कुछ कर रहे हैं ये लोग बोलते हैं वो सब लोग बेकार है हम लोग सब कुछ कर रहे हैं मुझे क्या करना है वो सवाल हमेशा है ही लेकिन राइट नाउ आई थिंक इट्स गोइंग टू बी कलेक्टिव डिसीजन एज इन जब मैं लाइफ पार्टनर ढूंढूंगा उसके साथ बैठ के डिसाइड करूंगा सो ऐसा रहता है कि मुझे इंडिविजुअली डिसाइड नहीं करना चाहिए अभी से भी मैं सिटी में रहूंगा गाँव में जाके रहूंगा एक्टिविटी करूंगा वर्क भी करूंगा आई थिंक आई शुड एक्चुअली कीप माय ऑफिस ओपन अभी कुछ जो भी कर रहा हूँ उसमें कैसे ना कैसे कहीं पे कुछ लिंकेज बन सकता है होपफुली तो आई एक्चुअली रेडी हैव अ टीम ऑफ पीपल आई एम वेरी एनवियस ऑफ राहुल एंड डबल बाय द वे इसके बिना मेरा प्रेजेंटेशन सुनो मैं कुछ बोलूंगा नहीं इट्स जस्ट नो बट वी कांट रीड इट ओके देन मैं कुछ बोलूंगा तो आई स्पेशली प्लेबैक बैच के लिए स्पेशली ये पहला जो इंटर्नशिप पीरियड आ रहे हैं उसके लिए ये आप जहाँ भी जाओ आप कुछ भी करो आपको बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं ये पहली मेंटरशिप जो सबसे अच्छे मेंटरशिप्स है वहाँ पे सबसे अच्छे इंटर्नशिप्स है वो नहीं कर रहे होंगे जो आपको एग्जैक्टली जो करना है मीन्स वो लोग कुछ ना कुछ ब्रॉड फील्ड में काम कर रहे होंगे और आपका थोड़ा बहुत मैचिंग होगा लेकिन आपका कुछ ना कुछ डिफरेंट होने वाले होंगे तो सर्चिंग फॉर द परफेक्ट मेंटर वो नहीं चल रहा थर्ड वन की एम्प्टी पॉकेट देखिए मैक्सिमम लर्निंग अगर आप खाली होकर जाओ तो फिर आप सबसे ज़्यादा लर्निंग कर पाओगे अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो और फिर जाओगे तो फिर ज़्यादा सुनने का संभावना नहीं फिर फोर्थ है कि हाँ स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग हम सब के एक्सपीरियंस को लेके पहला मेंटरशिप फ्लॉप जाता है या उसके बाद हम कुछ और डिसाइड करते हैं कुछ और करते हैं तो इसके कारण फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं कि फिर अभी चूज करने का बर्डन मत दो इतना आप जो भी चूज करोगे वो फ्लॉप जाने Let's go.
least interested in. Tushar. Turn up a curtain. Oh, Tushar. I was running a curtain. अच्छा तो ये चार्ट बना ये जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के बाद कि हाउ डू यू फाइंड अ नीडल इन अ हेस्टैक तो उसका आंसर मुझे कहीं लिखा नहीं हुआ मिला लेकिन इट सीम्स अ वेरी ऑब्वियस आंसर यूज़ अ मैग्नेट अगर आपको एक नीडल ढूंढनी है बड़े हेस्टैक से तो अगर अपना शहर या दुनिया या सिटी या कंट्री जो भी है वो एक बड़ा सा हेस्टैक है उसमें से आप अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हो आइडियाज को ढूंढ रहे हो सर्विसेज को ढूंढ रहे हो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ रहे हो तो आपको एक मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी आप ऐसे ही उसको नहीं ढूंढ सकते तो फिर मैग्नेट क्या होता है इवेंट्स है कॉन्फ्रेंसेस है वर्कशॉप्स है वॉलंटियरिंग है नेटवर्किंग है सोशल ग्रुप्स है स्क्रीनिंग्स है ऐसे कुछ ना कुछ अगर इवेंट्स या कुछ स्पेसेस आप अगर आप बनाओ जहाँ पे चुंबक की तरह बाकी सब लोग खींच के आपकी तरफ आए तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा to burn the haystack. Come on, Sameer! Yeah! End game. That's the other end game. हाँ, this was a quote that I kept up everywhere, जो भी unconference work plan की ना, वहाँ पे सब जगह मैं चिपका के रखता था ये. Relax, nothing is under control. ये बहुत important था. Especially बाकी organizers के लिए. बहुत सारे जो doubts हैं जो लोग पूछते थे, used to be like ये हो रहा है तो इस पे क्या किया जाए और मेरा usual solution था कि इस पे कुछ भी नहीं किया जाए it just let it be हो जाएगा K4 K5 relax nothing is under control K3 को भी बोल दे यार तुम लोग क्या guest हो हमारे भी फटके आते हैं तुम्हारे निखिल बोल रहे हैं ना special अगर एक example अच्छा अगर एक proper real life example देंगे तो जो unconscious हम plan कर रहे थे वो free event था तो कोई बाइंडिंग नहीं होता लोग पे नहीं करते तो फिर वो कमिटमेंट नहीं रहता कि आई नहीं आएंगे तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि हम कितने लोगों को रजिस्टर करने दें वॉकिंग कितने होने चाहिए कितने लोग ड्रॉप आउट हो गए तो मैं सिंपल सा फॉर्मूला निकला कि जितने लोग ड्रॉप आउट होते हैं उतने ही लोग वॉकिंग करते हैं सो यू डोंट टू वरी अबाउट और वही हुआ एक्चुअली दो इवेंट में वही हुआ जितना कैपेसिटी था इवेंट का उतने लोग आए प्रॉपरली नंबर कैपेसिटी सब सही रहा ओवर क्राउडिंग नहीं हुआ और बहुत कम लोग थे वैसे भी सो तो अभी यहाँ पे आके वो जीन्स का आइडिया काफी अच्छा छोटे छोटे स्केल पे इंफॉर्मेशन पास आउट करना है और उसमें से एक प्रिंटेड आउट जीन जैसे पोस्टर्स में जब मेरा सो या इट्स ओवर टू द ऑडियंस तो बेसिकली जो भी अटेंशन स्वराज लेके आया था विद रिस्पेक्ट टू देम हाउ डू यू काइंड ऑफ ओवरऑल इवैल्यूएट योर एक्सपीरियंस या वो काइंड ऑफ सेपरेटली है बाहर ही है बिकॉज जो इंटेंशंस की गया था वो पहले महीने में सब नष्ट हो गए नोट कर वो शिफ्ट क्या किसको बोलते हैं जब हमारे जो ओरिजिनल इंटेंशन थे वो अब नहीं रहे ना कुछ और ही आ गया तो दैट्स व्हाट आई एम नॉट स्पीकिंग टू माय ओरिजिनल इंटेंशन और मुझे भी आगे याद नहीं आ रहा ओरिजिनल इंटेंशन क्या है आई थिंक आई वाज नॉट थिंकिंग मच व्हेन आई केम प्रिंटेड वाला देखो He's gonna die soon, according to what the first page says. उल्टा first page. तूने बताया कि स्वराज से कौन से process है, कौन से activity तेरे लिए काम कर रहे हैं? तो कोई ऐसे activity थी इन दो सालों में जो तेरे लिए काम कर रही? हाँ, वो ये presentation में तो नहीं आ सकता ना time तो नहीं। अब question अब बोल दे। मुझे याद नहीं आ रहा। कौन सी एक्टिविटी सब प्रैक्टिकली हर दिन कुछ ना कुछ शिफ्ट हो रहा है कुछ ना कुछ
जिसमें भी हम एंगेज कर रहे थे और आई थिंक मेरा शायद रिकॉर्ड रहा है आई डिड नॉट मिस एनीथिंग अटेंडेंस वाइज नॉट रिकॉर्ड एज सच बट आई मेड अ पॉइंट नॉट टू मिस एनीथिंग तो ये हाई तो ये बोल रहे तो था ही नहीं कुछ हां ठीक है यार अभी क्या है चलेगा उसकी वजह से नहीं हुआ बट उसके बाद जब एक और वर्कशॉप कुछ एक साल बाद या आधे साल बाद हुआ तो उसमें बहुत अच्छा लगा आपके स्वराज से जो खोजी निकलते हैं उनके भविष्य का क्या तो तेरे बिहाफ पर हम क्या आंसर कर सकते हैं Advice for the movies, Mauricio Garo, hair fitter. If you answer that question for you, कि तेरे भविष्य का क्या? तो हाँ, taken care of. So there's no anxiety that you're having or anything. हाँ, anxiety तो नहीं है, because there's job offers, इनके नाम ही बोला था. कभी कभी too anxious होते हैं तो anxiety खत्म हो जाती है. जो कम्युनिटी लिविंग के प्रोसेस के थ्रू जो आप हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं मुझे लगता है उसमें से बहुत सीखने को मिला मुझे खासकर जो दूसरे लोगों को के पर्सपेक्टिव को समझने का वो वाला पार्ट वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी अप्लाई होता है कहीं भी आप काम करो उसके दैट इज़ द बेस्ट वे कि अगर आप किसी का पर्सपेक्टिव को समझने की क्षमता रखते हो दैट इज़ द बेस्ट वे टू मेक श्योर कि डेटा पर्सन कॉन्फ्लिक्ट ना हो ऑफिस में अच्छी तरह से लोगों को इम्प्रेस कर पाओ प्रोसेस को या प्लस अगर आपको किसी के साथ काम करना है कोई इनिशिएटिव शुरू करना है खुद का आपको देन आल्सो टू गेट आपको लोगों के साथ काम करना है तो यू हैव वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल